नमस्ते हिंदुस्तान, नमस्ते वर्ल्ड, नमस्ते बांग्लादेश। हम बलराम किसान हैं और आप हैं किसान पाठशाला पर। कुछ गवर्नमेंट टीम है, कुछ USAID है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं। हम बांग्लादेश में बनाना फार्मिंग को विज़िट कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, H2E2 के मॉडल पर कैसे हम जाएं और 70-30 फार्मिंग कैसे यहाँ अप्लाई करें ताकि किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा हो। केवल जी नहीं, यहाँ अनदर वेराइटी भी है और एक मिर्च का प्लांट भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बांग्लादेश में मिर्च कैसा होता है वो भी देखिएगा। यहाँ की मिट्टी पीली है, पानी बहुत है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाता नहीं, बहुत कम आता नहीं, और थ्रिप्स केवल हिंदुस्तान में मिर्च में नहीं आती है, पूरे विश्व में कहीं भी मिर्च लगती है तो थ्रिप्स आती है। तो ये थ्रिप्स के सिम्टम्स हैं, और केवल पेस्टिसाइड हिंदुस्तान में नहीं डलती, सभी जगह डलती है, ये पेस्टिसाइड के लक्षण है। तो थ्रिप्स कहीं पर भी मिर्चें उस पर आती है, ये सिम्टम्स जो है ये थ्रिप्स के हैं। और यहाँ पर अगर इस पेस्टिसाइड के बजाय VM स्प्रे करेंगे, एक बी किसान का एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसको मिट्टी के साथ मिलाकर स्प्रे किया जाता है। अभी ये फार्मर ने जो स्प्रे किया ना, ये जैसे बैंगन है इसमें इल बहुत आती है, आपको थोड़ी सी एक बदबू आ रही है इसकी पेस्टिसाइड की, फील्ड में एंटर होते के साथ, और ये अब इंजेक्ट होकर के अंदर जाएगी और ये थ्रिप्स पे भी अंदर जाएगी। इसकी बजाय रेसिड्यू फ्री में वाइसेनोमेटा खेत के बाहर की मिट्टी लेकर के स्प्रे करेंगे तो फार्मर को कोई पेस्टिसाइड खरीद कर ला करके डालने की आवश्यकता नहीं। एक तो उसका जेब का पैसा बचता है, दूसरा ये सारा का सारा कैंसर पब्लिक के पेट में जाता है, उससे जाने से बचेगा। ये काफ़ी कुछ सुधार हो सकते हैं, मिट्टी का स्प्रे कहीं पर भी कर सकते हैं। हम बनाना की अनदर फील्ड देख रहे हैं, जस्ट लाइक एलेक्की है ना, उससे सिमिलर वेराइटी है। कौन है फार्मर यहाँ पर? ओके, नेक्स्ट पॉल, इसके बाद क्या है? एक्चुअली वही वी आर पर्चेसिंग दिस वेराइटी ऑल्सो। कौन है फार्मर? ओनर। ओके, क्या नाम है? मोहम्मद मफीज मुल्ला। मोहम्मद जी, ये क्या कर रहे हैं अभी आप? मट्टी लगा रहे हैं? हाँ। ऐसा मतलब हम अपने मन से कर रहे हैं या किसी ने बताया है इतना मिट्टी लगाने का? कैनो कुर्ते से ना, क्योंकि अपने के बहुत से लगाएगा तो अच्छा होता है। अच्छा होता है। हाँ। गिरेगा नहीं? नहीं गिरेगा। हाँ। अभी हवा आएगा तो नहीं गिरेगा। हवा आएगा तो नहीं गिरेगा। और क्या होता है? ओ अच्छा होता है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मामून शेख। मामून शेख। और ये गाँव कौन सा है? ये हम कहाँ पर है? मधुखली। मधुखली। मेरा नाम डॉक्टर बलराम है और मैं भारत से आया हूँ, मध्य प्रदेश से, और नयन जी हमें इनवाइट किए हैं कि यहाँ के केले को और बेहतर कैसा किया जाए इसके लिए। मेरा काफ़ी समय केले की फील्ड में बीता है, मेरे खुद के 3 टिश्यू कल्चर लैब है जहाँ हम केले का पौधा तैयार करते हैं, पूरे भारत में और भारत के बाहर केले के पौधे देते हैं, किसी को चारा को लेकर उनको गाइडलाइन देते हैं, उनसे माल खरीदते हैं, डोमेस्टिक में भी सेल करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं चारा दे। तो इसलिए मुझे कुछ चीजों की जानकारी है, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं चर्चा करूंगा। चारा बात कर सकते हैं ना? ये जो मिट्टी लगा रहे हैं आप, इसमें क्या छोटी छोटी चीजों की गड़बड़ी हो रही है? हमें एक तो पॉजिटिव बात मिली है कि ये गिरेगा नहीं, जो हमारे पास कहीं से आई है, जैसे कस्टमर पड़े जावे ना सख्त सबल ये तो ভালো দিক। আর কি কি ব্যাপার হইতে নুকসান বহুত है इसका, तो एक पॉजिटिव लाइन है। तो हवा आएगा तो बहुत नुकसान होता है, हम लोग को तो बहुत मुश्किल होता है। नहीं नहीं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, मिट्टी लगाने से एक फायदा दिख रहा है कि पेड़ गिरेगा नहीं, लेकिन 99 नुकसान है, 99 नुकसान है, सब बेसी नुकसान नुकसान बेसी बेसी नुकसान। ये जहां से मिट्टी निकाली है, ये रूट देख रहे हो, ये रूट कट गया, चेकर कट, ये देखा ना रूट ही काट से अवेलेबल, ये देख रहे हो, ये अभी ताजी थी, ये जो व्हाइट रूट है ना, ये आज की रूट थी, 24 घंटे पहले की, 48 घंटे पहले की ये सफेद जड़ थी,
ये भोजन खाने के लिए सफेद जड़ देता है अभी ये जहाँ पर अगर हम मिट्टी की बात करें, ये केले की जड़ है, ये देख रहे हो, ये केले की जड़ है, ये किसकी है, केले की है। हाँ, तो अभी ये पूरी रूट हमने निकाल दी है, ये सारी रूट तोड़ करके निकाल दी है, ये सारी रूट। दूसरा, अब इतनी मिट्टी लगा दी है कि इसकी पुरानी जड़ है, ये केले की जड़ है, ये इसी की जड़ है, ठीक है। अभी इससे हमने 6 इंच ऊपर तक मिट्टी लगा दी है। ये जो भोजन ले रही थी, इसने जो ये अपनी एक्टिवेट रूट कर रखी थी, ये उसको काट कर हमने समेट कर ऊपर कर दिया। तो जो ये स्टार्टअप मोड में था, पहले तो वो रुका, अब भोजन लेना बंद हुआ। अब वापस ये रूट यहाँ से फुटान करेगी, इसमें समय लगेगा, कुछ थोड़ा 5 दिन 10 दिन 8 दिन ये समय लगेगा वापस इस भिर्रे में फैलने में। तो एक तो इसको हमने घाव दिया, अभी चोट चोट कर दीजिए, आप खाना खाओगे उसके पहले उंगलियां काट दी, खाना कैसे खाए, दो दांत निकाल दिए, खाना कैसे खाओगे, मुश्किल होगा ना। तो ये पौधे को भी और अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है बजाय उसको चोट पहुंचाए। इसका एक तरीका है, आप मोबाइल चलाते हो, चलाते हैं। उसमें लिखना है किसान पाठशाला यूट्यूब पर, किसान पाठशाला एक साथ दे, क्या लिखना है, किसान पाठशाला, किसान पाठशाला। तो उसमें मेरा एक चैनल आएगा, ये उस चैनल का नाम है किसान पाठशाला, ठीक है। ये चैनल पे कहीं जाने की जरूरत नहीं, इस पर केले की सारी जानकारियां हैं, पानी कैसे देना है, मिट्टी कब तक लगानी है। अभी पौधे की उम्र चली गई बाहर, अभी मिट्टी का टाइम हो गया खत्म। ये जब पौधा प्लांटेशन करते हैं उससे 90 दिन के अंदर अंदर, अभी कितने दिन का है ये, दिन ही सर, बहुत खत्म हो गया, 5 महीना हो गया, 150 डेज 150 दिन प्लस हो गया ना, 150 दिन के बाहर हो गया। अभी इसको छेड़ना बंद करो, छोड़ दो, इसकी जो रूट डेवलप्ड है उसी में उसको जीवन यापन करने दो। नुकसान क्या होगा, ये जो हरा पत्ता है ये सिगाटोका में कन्वर्ट होगा, कमजोर व्यक्ति को बीमारियां लगती है, कमजोर पौधे को बीमारियां लगती है, हेल्दी रहेगा, बीमारी रहेगी पर लगेगी नहीं। तो ये जब नीचे से भोजन उठाता रहेगा, ज्यादा मात्रा में भोजन लेता रहेगा, सही न्यूट्रिशन अपटेक करता रहेगा, तो डिसीज फील्ड में रहेगी, पौधे को नुकसान नहीं करेगी। ये कौन सा पत्ता खाएगा सिगाटो का, जिस पत्ते का ऊपर का छिलका पतला, रेजिस्टेंट नहीं, जिस पर फंगाई लगने से जल्दी गड़बड़ होती, उस पत्ते को ये खाएगा, तो न्यूट्रिशन अपटेक नहीं होगा, तो वो पौधे में जल्दी डिसीज आएगी। अब पूरा खेत हमें सिगाटोका का दिख रहा है, इसके लिए कोई एग्रोनॉमिस्ट से हम चर्चा करेंगे तो एक विकल्प दिखाएगा, फफूंदी नाशक का स्प्रे करो, उन्होंने ये विकल्प बताया कि ये फैले ना, ये आए ना, उसका विकल्प मैं बता रहा हूं, ताकि स्प्रे करने की आवश्यकता ना पड़े, एक कदम आगे की बात कर रहा हूं। दूसरा, पूरे खेत में ये जो पानी दे रहे हैं ना, ले लो, पानी देने का जो तरीका है वो ऑड इवन करना है। हमने केवल यहाँ नाली करी, इसकी वजह यहाँ पूरी नाली होना थी, नाला ये पूरा बेड होना था, जोर बेजोर करते हो बे। ये पूरा बेड 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 बनाता है, माने ये मस्त है, पानी जा देना, ये पूरी नाली छोटी सी, एक बार पानी इसमें देंगे, अगली बार पानी उसमें देंगे। दिस इज 70-30 फार्मिंग कॉन्सेप्ट, 70-30 खेती। माने तुम ओरे पानी दिबा जे बार इरे दिबा ना और ओटे दिबा। कितने दिन में पानी देते हो यहां पे, की पानी इनकी कोई दिन बताओ, कोई दिन पर पर पानी देना, पानी तो अखन ऐसे दिन तो लगे ना, पानी दे लगे 70 बैशाक में से एक बार पानी भर देते हैं, फिर 15 दिन तक वो जाता है, फिर पानी देते हैं मार्च अप्रैल ओनली मार्च अप्रैल दे, बट दिस सीजन नॉट नीड टू वॉश, रेनी सीजन
रेनी सीजन में तो यहाँ पानी इतना है, जरूरत ही नहीं लगेगी पानी देने की, बट ऐसे नाली और पाली करेंगे तो यहाँ क्रैक्स आएंगे, और ये क्रैक्स आएंगे तो नीचे हवा जाएगी, एरिएशन होगा, एरिएशन होगा तो बीमारियां नहीं आएगी। इस फॉर्मूले को कहते हैं 70-30 फार्मिंग, 70-30 खेती, 70% पौधे के लिए रिजर्व लैंड रखना है जिसमें अपनी जड़ों को भेजे और भोजन लेता रहे, 30% हम फार्मरों के लिए कि खेत के अंदर बाहर आना जाना हो सके। एरोशन इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। जब पानी हम दें तो एक लाइन में पानी देंगे तो ये भी खाली रहेगी, ये भी खाली रहेगी, फिर अगली पानी वाली रहेगी, जब रिपीट पानी की डिमांड होगी फिर जो खाली है उसमें पानी देना, ये खाली रहेगी। तो इसमें पानी आप अगर 15 दिन में दे रहे हो तो अगली बार 1 महीने में आएगा, क्योंकि अल्टरनेट इसमें 15 दिन में पानी दिया, 1 तारीख को इसमें दिया, 15 तारीख को उसमें दिया, फिर 1 तारीख को इसमें दिया, 15 तारीख को उसमें दिया, तो इसमें पानी का टाइम 1 महीना हो गया। तो जब इसमें पानी दिया तो वहां क्रैक है, वो हवा अंदर जा रही है जड़ों के पास, जब वहां पानी देंगे तो यहां क्रैक है, यहां से हवा जा रही है अंदर जड़ों के पास। तो ये जो एरिएशन वाला पोर्शन अल्टरनेट चाहिए, क्योंकि जड़ों के पास 25% हवा 25% पानी होगा तो पौधा न्यूट्रिशन अच्छे से अपटेक करता है, 25% एयर 25% वाटर, दिस कॉम्बिनेशन इज सुपीरियर, एवरी प्लांट न्यूट्रिशन अपटेक जो स्थिति होना चाहिए भोजन उठाने की, उसमें 25% एयर 25% मॉइस्चर, 5% बायोमास कार्बन एंड 45% सॉइल, दिस कॉम्बिनेशन इज स्वस्थ मृदा, सो इसको कम करो, ज्यादा मत चढ़ाओ, जड़े टूटेगी पौधा। ये हमने कोई इलेक्ट्रिक पोल नहीं लगाया है कि तार खींचने से गिर जाएगा, ये पेड़ है अपनी जड़े बना के रखा है, पकड़ के रखता है। জমির জন্য খুব প্রয়োজন যে বাতাস আসা যাওয়া করাটা, একদম সব মুখ আপনি বন্ধ করে বাঁচবেন, এই জন্য কিছু ফাঁকা থাকা লাগবে, হ্যাঁ এরেশন হবে, বাতাস আসা যাওয়া চলবে, এটা বলতে চাই, এতে মাটি খুব ভালো থাকবে, গাছের আপনার উৎপাদন মতো বাড়বে, গাছও হেলদি হবে। ये वैरायटी कौन सा है ये वाला? सबरी। ओके। ये कितने महीने में फ्लावरिंग आएगा और कटिंग का टाइम क्या रहेगा? के आगे पीछे फ्लावरिंग आएगी और कटन 10 से 11 महीने में। हाँ 7 महीने में इसमें फल आएगा नहीं, 9 मास ये लेट वेराइटी है, लगभग ये 15 महीने में खेत के बाहर होगी, 12 से 14 महीने वेराइटी अच्छा है, बस इसकी हाइट ज्यादा जाती है। कम आएंगे लेंथ में भी फर्क आएगा, लेंथ छोटी आएगी। एक्चुअली ये वेराइटियाँ कमर्शियल उपयोग के लिए नहीं है, कमर्शियल उपयोग के लिए है ग्रेन 9। अकॉर्डिंग टू सोबली वेराइटी, व्हाट इज द प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस आइडियल? ये आपको जांचना पड़ेगा प्लांट की लेंथ कितनी है, जैसे इस वेराइटी की अभी हम बात करें तो ये लेंथ इसकी समझ में है, अभी ये लेंथ आप 6 फीट के बाहर निकल गए, 6 फीट और अभी इस पौधे की आधी उम्र हुई है, अभी इसका फ्लावरिंग आना बाकी है, अगला पत्ता जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, आप नोटिस करो नेक्स्ट पत्ता वो चले गया ना यहाँ पर, ये देख रहे हो ये वाला पत्ता ये पहुंच गया इसके बाहर, इसकी सबरी की लाइन टू लाइन रो टू रो सराउंड ग्राफ अगर हम बात करें तो 5 बाय 12 फीट लाइन से लाइन 5, हम बात कर रहे हैं 70-30 फार्मिंग की, लाइन से लाइन 5 के ऊपर नहीं जाना है, पौधे से पौधा 12 फीट रहेगा लेकिन जिगजैग रहेगा आगे पीछे, प्लांट टू प्लांट 12 फीट। अभी ये क्या लिया 6 बाय 6 अभी 6 बाय 6 लिया है ना, तो इसमें 1250 पौधे आए, इनके पौधों को 900 करना है,
क्योंकि ये प्लांट का पत्ता लंबा जाता है ये यहाँ तक आ गया। ये मैं सिंगल क्रॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल फर्स्ट क्रॉप आपको लेने में ऐसा लगेगा ग्राफ बड़ा ले लिया है, लेकिन जब इसका रटून आएगा उसका पत्ता इससे बाहर आएगा। पिलबाग क्या बोलते हैं आप लोग, सेकेंड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एफ वन बोलेंगे जो बेबी आता है उनका, बेबी क्रॉप, बेबी प्लांट, रटून क्रॉप, रटून क्रॉप बोलते हैं। अब ये रटून क्रॉप इससे 20% ज्यादा हाइट पे जाएगा। केले में जो फर्स्ट का आउटपुट आया, इसका आउटपुट आई थिंक 15 kg तक आता होगा, 13, 15, 17 ये एवरेजन 15 होगा। तो इस वेराइटी का ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपके पास मार्केट अच्छा है, आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो ये वेराइटी लगाना चाहिए, क्योंकि इस वेराइटी की उम्र ज्यादा है, पौधे कम लगेंगे तो बीमारियां कम आएगी। अब ज्यादा पास में लगा दोगे तो और पतला पतला चले जाएगा, फिर टूट के गिरेगा, तो डिस्टेंस तो देना पड़ेगी ताकि हेल्दी मोटा जाए। बट देयर इज अ रिक्स मींस विंड में बहुत ज्यादा गिरेगा। हाँ, वो जब हम डिस्टेंस, हाइट इज, हाँ डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे तो हाइट कम होगी, डिस्टेंस पास में रखेंगे तो हाइट बढ़ेगी, डिस्टेंस दूरी रखेंगे तो हाइट घटेगी, और सराउंड ग्राफ रखेंगे हाँ हाइट कम होगी। तो एकड़ पे, पर एकड़ 900 प्लांट के ऊपर नहीं जाना चाहिए इस वेराइटी। यस, तो आपका ग्राफ बनेगा 5x9 के ऊपर, मिनिमम 5x9 मैक्सिमम लाइन, हाँ लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9 और जिगजैग, उसमें आपके आएंगे 968 से 1000 प्लांट मैक्सिमम, 1000 प्लांट हाँ मैक्सिमम। और 5x10 पे जाएंगे तो 125, 900 जगह कतटुकु पर एकड़, 150 কতটুকু লাগাইছেন গাছ, 1200 গাছ লাগানো, দেড় একরে ঠিক আছে, 6 ফুট 6 ফুট যে না, 1250 আয়েগা 6x6 মে 1 একর পে, 6x6 মে 1 একর পে 1250 আয়েগা, 1200 তাহলে আপনারা একই করুন না, কত ডেসিমেল, 6 ফিট/6 ফিট মানে স্পেসিং এ লাগান, এক একরে আসবে আপনার 1250টা, দেড় একরে কত আছে, बड़ा ही चाहिए, 7-8 के लगभग ही चाहिए, 6 तो चाहिए ही नहीं इसको, लाइन टू लाइन डिस्टेंस 5, उससे ऊपर जाओ मत, प्लांट टू प्लांट 9, 10, 11, 12 जितना इसमें ले सकते हो, मैक्सिमम 12, मिनिमम 9, लेकिन जिगजैग एक्टा थकले पर এই পাশে থাকবে না, ये मैं जो 12 बताया मैंने, एक ही बार लगा करके आप अनेक साल तक चला सकते हो, उसके लिए मैंने 12 बताया। Actually here what they are doing, you see this baby plant, or this baby plant, when they will cut it, after take this harvesting, they will remove it, and maybe they will put in between this replantation. जब आप यहीं से काट करके नया प्लांटेशन कर रहे हो तो यहाँ क्यों नहीं चलेगा, एग्जैक्टली आपके जवाब में ही मेरा प्रश्न है कि आप जब इस प्लांट को स्वस्थ अवस्था में जब ये चल रहा है उस समय इसे हम नहीं चलाएंगे, उसको पहले काटेंगे, इंजर्ड करेंगे, फिर उसको तोड़कर उखाड़कर नई जगह लगाएंगे, फिर उसकी रूट डेवलप कराएंगे, तो ये प्रोसेस है ना, आपका पैसा जा रहा है, समय जा रहा है, दिस वर्क डिस्टर्ब द ऑप्टिक ऑफ द लिप्टिसन, इसीलिए मैंने बोला कि अब ये प्लांट को देखो आप, इसमें अभी जो दो बार मिट्टी चढ़ा चुके हैं 90 दिन के पहले, और इस प्लांट को देखो, दोनों में फर्क देखो, ये प्लांट आप 90 दिन पहले मिट्टी चढ़ा चुके थे और इसमें आज फिर रिपीट कर रहे हो, अब इसको वापस टीला बना दिया, तो यहाँ की रूट ये पूरी काट दी, ये सारी जड़े हैं, ये केले की जड़ है, ये देखो ये कितनी लंबी है, ये बनाना रूट से, पहले हमने काट दी, उसको दी, भोजन लेना कम हो गया, इसलिए आपका रटून आएगा नहीं, बार बार हम जड़े काटते जा रहे हैं तो पहले की ही रूट डेवलप नहीं हो रही है, हाँ तो सेकंड की रूट कैसे डेवलप होगी। दूसरा, हम जब नाली और पाली करेंगे तो जो नाली और पाली वाली व्यवस्था रहेगी ना, ये नाली वाली, यहाँ नाली है,
तो यहाँ हमारे चलने की जगह है, और पाली है वहां रूट डिजाइन स्ट्रक्चर होगा, वहां हम पैर नहीं रखेंगे तो वो ढीला रहेगा। और ये जो पत्ता है, ये कचरा है, ये जो पत्ता है, ये सारा पत्ता इस पाली के ऊपर, जब पत्ते के नीचे बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप होगी, कीट पतंग इल केचवा ये डेवलप्ड होगा, तो ये जगह ढीली रहेगी, तो यहां पर रूट डेवलप्ड होगी। अब ये कितनी जगह छूट गई, 70%, 30% हमारे खेत के अंदर बाहर आने की जगह। दिस कॉन्सेप्ट इज 70-30 फार्मिंग। इसलिए इसे पास में रखना है और इसे दूर रखना है। ये जगह अगर आपकी 10 फीट है तो आपकी नाली की संख्या बढ़ गई, पाली की संख्या, और नाली की संख्या पास में आकर कम हो गई। जब आप पानी दोगे तो दोनों पौधों को यहां पर पानी मिल गया, इस तरफ से, इस तरफ खाली है, इधर एरिएशन है, हवा जा रही है, होल कॉन्सेप्ट पूरा चेंज है। बस पैसा नहीं लगना है, समझ का फर्क है कि हम अभी जो खेती कर रहे हैं इसमें क्या छोटा सा बदलाव करें प्लांटेशन के समय ही, ताकि हम एक ही बार लगाकर 10 साल तक चलाएं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5x10 इस वेराइटी के लिए मैं बात कर रहा हूं, सबरी के लिए, G9 के लिए 5x9, 5x7 से 5x9 वेराइटी वाइज ग्राफ चेंज होगा। इस पर अगर मट्टी नहीं लगाएंगे तब भी यह गिरने वाला नहीं है, ऑलरेडी इसको नीचे गाड़ कर लाएंगे। अब यहां तक अगर मिट्टी लगा देंगे तो पुरानी जड़ें वापस रुक जाएगी। अभी ये जो रूट भोजन लेने जा रही है, ये मिट्टी में जो जा रही है, ये वाइट रूट जा रही है, जो आपने फर्टिगेशन तो डाल दिया, ये खाद डाल दिया, लेकिन इसके ऊपर अगर 1 फीट मिट्टी डाल देंगे तो ये सड़न में चले जाएगा, अपटेक नहीं होगा। तो जो 15 किलो वजन आ रहा है ना, 13 से 15 किलो जो वजन आ रहा है, अगर आप ऐसे ही प्लांटेशन करके हर महीने गुड़ गोबर गोमूत्र डाल दोगे तो भी 15 किलो आ जाएगा। फिर आपके इस फर्टिगेशन का पैसा जो लगाया वो रिकवर कहां हुआ? 22 किलो कहां आया? 20 किलो कहां आया? अगर हमें 10 से 15 किलो ही लेना है तो फिर इतना ही प्लांटेशन करके गुड़ गोबर गोमूत्र कर दो और कचरा मल्चिंग कर दो, अपने आप आएगा। क्योंकि ये जो पौधे पत्ते धूप जहां मिल रही है वहां से भोजन बनाते हैं, हमें लगता है हमने भोजन डाला तो भोजन मिल रहा है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट पूरा चेंज है प्रकृति का। ये फोटोसिंथेसिस जहां होगी ना, अब ये पत्ता छांव में है, हमने पपीता लगा दिए, हमें इससे भी पैसा चाहिए, इससे पैसा चाहिए, दोनों मिसमैच है, दोनों साल भर की उम्र वाले पौधे हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये तो ये प्लॉट निकल रहा हो जब लगाओ छोटो, ये फाइनल खत्म हो रहा है कि अब हम केला नहीं चलाएंगे तो निकलते निकलते पपीता प्लांटेशन कर दो तो चल जाएगा। पपीता खत्म हो रहा हो क्या, पपीता जा रहा है तो बनाना लगा दो। ये इसकी उम्र ढल रही है, खत्म हो रहा है और ये पनप रहा है, दोनों साथ में चलेंगे तो उसमें भी फल कम आएंगे, इसको भी आउटपुट कम मिलेगा। मेहनत अच्छी कर रहे हो आप। द फार्मर शुड डू एनी एक्टिविटीज इन द प्लांट स्ट्रक्चर, ये रॉन्ग मेथड है। इसमें मेहनत बहुत कर रहे हो, अभी आपके पूरे परिवार को पूरे 2-3 दिन लगेंगे इसको मिट्टी लगाने में, और घर जाकर थक करके आराम से चूर चूर होकर सोओगे तो ऐसा लगेगा मेरा बच्चा काम करके आया है। लेकिन ये जो है ना, ये अंदर सोच रहा होगा मेरे मालिक को पता ही नहीं मेरी आंख नाक मुंह उंगलियां काट रहा है। कॉन्सेप्ट यहां से जब खेत में आते हैं ना, खेत के अंदर आते हैं तो यहां से सुनना चालू करो, इसको घर पे रख के आना है। खेत में घर पर बहुत सारा मंथन करना है, क्या करना है, पेपर पर काम करना है, यहां से खेत में आने के बाद यहां से समझो, ये भी सांस लेता है, ये भी पानी पीता है, इसको भी भोजन चाहिए। हम भी वही कर रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, हम भी निकाल रहे हैं और ये भी निकाल रहा है। ये निकालेगा 12 महीने बाद 9 महीने बाद। ये जो फल आ रहा है ये क्या है? ये केले का जो फल आया, इसको अगर हम काट कर नहीं कहीं ले जाएं तो इसके कुछ काम का है? कोनो दाम नहीं था, कोनो मूल्य नहीं। तो ये जो फल है ये हम इंसानों के लिए, ये जब निकल के बाहर आता है पूरा पकता है तो हम खाते हैं ना इसको। तो स्थिर प्राणी का वेस्टेज, चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन है हम आपका। हमारा वेस्टेज
इनका भोजन है, इनके भोजन गोबर, स्वमूत्र, स्वखाद, ये सब इनका भोजन है। गाय का गोबर, वो केचुआ घूमता है, उसका वर्मी कंपोस्ट हम बात करते हैं ना जो, हर चलने फिरने वाले प्राणी का वेस्टेज इनका भोजन है और इनका वेस्टेज हमारा भोजन है। अभी ये पपीता काटने मत जाओ, ये टूट कर गिरेगी, फूट जाएगी, सड़ जाएगी, सड़ने के बाद क्या होगा, कीट पतंग बैक्टीरिया खाएंगे और वेस्टेज देंगे, वो इसको भोजन लगेगा। हमें ये लग रहा है कि डीएपी इसका भोजन है, वो गड़बड़ है। एक्चुअली उसकी जड़ों को रहने दो, उसको उसके हाल पर रहने दो। सॉरी, हाँ वो वर्मी कंपोस्ट या ये कुछ डालेंगे तो भोजन रहेगा, बट थोड़ा सा यहाँ से सोच करके अंदर आएंगे कि हम इसको घाव तो नहीं लगा रहे हैं। शाम को जब सूर्यास्त होता है ना, सूर्य चले गया, उजाला बचा है, सूर्य चले गया, उजाला बचा है, उसको संध्या काल बोलते हैं। उस समय एकांत में आकर बैठोगे, थोड़ा समय इसको दोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपसे क्या बात कर रहा है। सबसे सही बात करने का प्रकृति से जो टाइम है वो है संध्या काल। अकेले मौन आकर चुप से बैठ जाओ, साइलेंस, साइलेंस, तब रियलाइज होगा कि ये कुछ बोल रहा है और आपसे कुछ चर्चा कर रहा है। ऐसा 5 दिन करोगे ना, तो 6ठे दिन आपको पता चलेगा इसको क्या देना है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। वो बोलेगा मुझे पानी ज्यादा हो रहा है, वो बोलेगा मुझे खाने का तरीका चेंज है, ये मैंने जिया है इसलिए बता रहा हूँ। When harvest the fruit, in which height we cut the plant? No cut. पूरा का पूरा खड़ा रखना है, कट नहीं मारना है। ये जैसा बेबी इसका आ रहा है ना, इसका बेबी अगर हम ले रहे हैं अगर हम एक ही कटिंग ले रहे हैं तो कट करके हमें दूसरी फसल की तैयारी करना है। अगर हम बेबी ले रहे हैं साथ में, इसको ले रहे हैं तो इसको काटना नहीं, इसके केवल सूखे पत्ते काटना है, ओनली सूखे पत्ते, ड्राई लीव, ड्राई लीव, देन 2-3 लीव उसमें रहना चाहिए और पूरा थड़ रहना चाहिए। तो ये इसी का न्यूट्रिशन आएगा और ये भरेगा, अलग से कोई भी भोजन देने की आवश्यकता नहीं। मदर का सारा न्यूट्रिशन जाएगा और बेबी पूरा का पूरा निकल के आएगा, जीरो फर्टिगेशन। काटने की आवश्यकता नहीं, पूरा का पूरा छोड़ दो, बॉडी न्यूट्रिशन पूरा, यस यस, ये सिकुड़ते जाएगा, ये पनपते जाएगा। आपका परिचय दीजिए, आप कौन है, कहां से? एग्रीकल्चरिस्ट अशरफ आलम। ओके, इधर थोड़ा कैमरे में। अशरफ आलम, आई एम प्रोडक्शन मैनेजर। ओके, क्या पूरा नाम लिखा है? आई एम मोहम्मद अशरफ आलम। ओके, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, BAU। बहुत बढ़िया, बांग्लादेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। किसान पाठशाला को थोड़ा रीड कीजिए और आपके इनपुट्स भी दीजिए कि बांग्लादेश में और क्या बेहतर हो रहा है। हम जस्ट आए हैं, नयन जी ने बुलाया है, तो सारी फील्ड्स देख रहे हैं। यहाँ पर बनाना पर वैल्यू एडिशन के लिए कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये तो हम साथ में चल रहे हैं, बट आप जैसे मित्रों की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि आपके क्षेत्र में और बेस्ट क्या है। ये तो हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो गया तो ऐसा कर लो, लेकिन अच्छा भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो पॉजिटिव भी हम तक भेजिए। I am very proud all of you because I learn many more topics. Yes, yes. Thank you. I am very proud of all of you. Thank you. Thank you. Thank you. Aye. Okay.